नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 8 जुलाई भारत के दिग्गज नेता ज्योति बसु का जन्मदिन है। भारत में वामपंथ के सबसे बड़े क्षत्रप ज्योति बसु का जन्म गुलाम भारत में 1914 को हुआ था। वो ज्योति बसु जिन्हें भारत का राजनीतिक इतिहास एक ऐसे राजनेता के तौर पर याद करता है जिसने कई दशकों तक पश्चिम बंगाल राज्य की सत्ता संभाली। लोग जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता की कस्में खाया करते थे, जो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, जिन्हें अपनी पार्टी ने ही देश का अब तक का इकलौता वाम प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। समय था मई 1996 का दूसरा सप्ताह। 11वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए थे। इस बार लोकसभा की 537 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे। इस 11वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से सरकार बनाने के आसपास भी कोई नहीं था। सबसे अधिक 161 सीटें बीजेपी के पास थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वो राजनीतिक छुआछूत की शिकार थी। कोई भी दल बीजेपी का समर्थन करने को तैयार नहीं था। ज्योति बसु की अधिकृत जीवनी लिखने वाले सुरभि बैनर्जी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि ज्योति बसु हमेशा प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि बसु ने खुद दो बार ये ऑफर ठुकराया था, पर 1996 में तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला। इस बार वो प्रधानमंत्री बनने को तैयार थे। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अनुमति देगी तो वो पीएम बनेंगे, लेकिन उन्हें धक्का तब लगा जब पार्टी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। बता दें कि इससे पहले 1989 लोकसभा चुनाव के बाद भी बसु को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। ये ऑफर उन्हें चंद्रशेखर और अरुण नेहरू ने दिया था। दूसरा मौका 1990 में मिला, जब केंद्र में वीपी सिंह सरकार गिर गई थी। राजीव गांधी की नजर में तब ज्योति बसु भी थे, पर बसु ने मना कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।